आज की रेसिपी है सेवई, दूध वाली सेवई। तो इसको बनाने के लिए मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है और एक दूसरे पैन में मैंने घी डाल के सेवई को धीमी आंच में अच्छे से भून रही हूँ। इसको 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच में अच्छे से इसको भूनेंगे। इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे भूनते समय। और दूसरी तरफ मेरा दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है, उसमें मैंने इलायची और तेज़पत्ता डाल दिया है। दूध को अच्छे से बॉयल करने के लिए रख दिया मैंने। अब देखिए मेरा सेवई भुन चुका है अच्छे से 5-6 मिनट के बाद। अब मैं इसमें इस बॉइलिंग मिल्क में मैं अपने सेवई को डाल दे रही हूँ। सेवई को अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। मैंने दूध को 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से बॉईल किया हुआ है। अब इसको मिक्स करने के बाद, सेवई को मिक्स करने के बाद मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल दूँगी, शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा ज़्यादा या कम जैसा चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको शुगर डालने के बाद मैं इसको धीमी आँच में 12 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने दूँगी। देखिए 12 से 15 मिनट धीमी आँच में पकने के बाद मेरा सेवई बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। यमी यमी सेवई। आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीकेंड रेसिपी। बाय बाय।